वीडियो को शुरू करने के पहले बच्चों में आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप यहां पर कोई पेपर के लिए आए हुए हैं कि आपको मैं पेपर देने वाला हूं तो आप बिल्कुल अब भी वीडियो को छोड़ करके आप निकल जाइए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं देने वाला। मैं यहां पर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपके कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, ऊपर ये सिलेबस है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर डिजाइन हुआ है, अष्टम पाठ तक आपका पूछा जाना है। अब देख लें क्या क्या आ सकता है, कैसा पेपर आ सकता है। तो देखें, सुभाषित श्लोक आएंगे बच्चों, जो तो मालूम है आपको कि दो श्लोक लिखने के लिए आते हैं, तो दो श्लोक तैयार कर लें, याद कर लें। आवेदन पत्र आएगा, निबंध रचना आएगी, अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, रिक्त स्थान आ जाएंगे, अशुद्ध कारक संशोधन मतलब कि कारक पहचान करके आपको अलग करना पड़ेगा। युग्म मेलन भी आ सकती, सही जोड़ियां आम और ना मतलब कि ये सत्य असत्य होते हैं संस्कृत के, ये भी पूछे जा सकते हैं। कथाक्रम संयोजनम, कथाक्रम को संयोजित करने के लिए, जैसे कि आपके अंग्रेजी में होते हैं ना, रीअरेंज करने के लिए, उस टाइप से आप लोगों को पूछा जा सकता है। और फिर लास्ट में संस्कृत व्याकरण, जो कि सबसे बड़ी होगी, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत के पेपर में आपको मैं बता दूं, लगभग 60 नंबर की तो व्याकरण आ जाती है, लगभग 50 की तो आ ही जाती है, इतना ज़्यादा व्याकरण से ही पूछा जाता है। तो बच्चों, शुरू करता हूँ मैं अपना आज का वीडियो, जो मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट निकाले हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और गाली मत देना कोई भी भाई, या नाराज़ मत होना, पहले बोल दिया था मैंने, अगर आप रुके हैं आपकी इच्छा है। देखें ये बच्चों, ये अवकाश प्रार्थना पत्र है जो कि पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लें। मैंने यहाँ पर एक और प्रार्थना पत्र है आपके लिए, मतलब जो मित्र के लिए पत्र है, जन्मदिवस के लिए जो पत्र है वो आ सकता है, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये पूरा पैटर्न है इसके सामने, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों अगला है प्रार्थना पत्र आ सकता है। ये प्रार्थना पत्र किसके लिए बच्चों? छात्रवृत्ति के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए चार मतलब आवेदन पत्र जो हैं स्कूल से रिलेटेड और आपके मित्र के लिए पत्र सब इकट्ठा कर दिया है। अब देखिए शुभकामना पत्र, तो मैंने आप लोगों को दो प्रार्थना पत्र दे दिए और दो निमंत्रण पत्र या बधाई पत्र, जैसे एक ही शुभकामना पत्र और शुरू में भी दिया था, तो ये चार हैं, चार में से कोई दो आ सकते हैं, पढ़ लीजिए, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। मेहनत करिए बेटा, ईमानदारी पे भरोसा रखिए। बात करते हैं अब हम अपनी निबंध रचना की। तो बच्चों यहाँ पे संस्कृत में भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध होते हैं, जैसे कि आप लोगों के अंग्रेजी में होता है वंडर ऑफ साइंस, माय हॉबी, ग्रेट लीडर, हिंदी में होता है विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण, वैसे ही यहाँ पे संस्कृत में आपका जो आपका अस्माकम देशः, संस्कृत भाषाया, महत्व और महाकवि कालिदास, तो ये तीन निबंध नॉर्मली महत्वपूर्ण होते हैं। अब कोई अलग से पूछ रहे तो क्या मालूम, आप ये तीन तैयार कर लीजिए बच्चों। 8400400400, जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउट नेट का 8400400400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके बाद बारी आती है बेटा प्रश्नोत्तर की, तो इसमें देखिए ये पहला नंबर प्रश्न है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, कैसा हो गया जीवन, तो दुर्वहम, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां मुझे अच्छा लगता है, 9वां अच्छा लगता है, अच्छा लगता मतलब भैया अच्छा लगता नहीं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप प्रश्न क्रमांक 11वां देख लीजिएगा, एक्चुअल में क्या है, इसी साल सिलेबस चेंज हुआ है, तो आप में से किसी को कुछ नहीं मालूम कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं भी बहुत मुश्किल से शाम से लगा हूँ, अब जाके कुछ प्रश्न मिले हैं। तो यहाँ देखें 5वां देख लीजिएगा, 7वां देख लीजिएगा, और इसके साथ मैंने बड़े स्क्रीनशॉट रखे हैं ताकि आप लोग क्या है बाकी आजू बाजू वाले भी देख लें, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ना हम कोई भी। यहाँ पे बच्चों प्रश्न क्रमांक 19वां देख लें आप लोग, 22वां देख लें और 24वां देख लें, ये इसके अलावा आगे पीछे के भी देख सकते हैं देखना हो तो। अब इसमें बच्चों पहला दूसरा दोनों देखने हैं आपको, कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति और अकस्मात कारणात महानगरेषु संशरणम कठिनम वर्तते, ये दोनों प्रश्न आप देख लीजिएगा, अच्छे हैं। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मैं फिर से बोलूँगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी जब तक आपका एक साल नहीं बीतेगा आपके इंपॉर्टेंट तो बन ही नहीं पाएंगे, इस साल के बाद अगले साल वालों को फ़ायदा होगा, इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए रिस्क नहीं लेना आप लोग, ये जितने प्रश्न हैं यहाँ 5-6 पूरे के पूरे कर लीजिएगा। इसके बाद देखें यहाँ पे प्रश्न नंबर 8वां मज़ेदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, मगर थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। फिर इसके बाद यहाँ पे 10वां प्रश्न देख लीजिएगा,
12वां तो बच्चों प्रश्न जो है वो शायद आउट ऑफ सिलेबस है अभी फिलहाल के लिए नहीं है, तो वो छोड़ दीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद 13वां देख लीजिएगा, 13वां भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 14वां तैयार कर लीजिएगा, 15वां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। देखें ये 13वां 14वां 15वां तीनों प्रश्न देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आते हैं तो अच्छी बात, नहीं आते तो अब हम कुछ नहीं बोल सकते बेचा। यहाँ पे 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, ये दोनों हैं। मगर मैंने फिर से कहा कि आजू बाजू वाले प्रश्नों पे भी नज़र दौड़ा लीजिएगा बेटा, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कम मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले। अब देखें विलोम शब्द, तो देखें शुक्रम का दुर्वहम, दूषितम का शुद्धम, ग्रहणंति का मुंचंति, दानवाय मानवाय, प्रथमा द्वितीया, बुद्धिहीना बुद्धिमती, ये कुछ बहुत अच्छे हैं जो आपके पाठों से रिलेटेड है। मूर्खा का पंडिता, सुलभा का दुर्लभा, फिर अस्तमय का उदय, सार्थकम का निरर्थकम, ठीक है ये आप तैयार कर लीजिएगा। और ये यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, देखें विलोम शब्द और कौन कौन से हो सकते हैं। पक्वा का तो होगा अपक्वा, इसके अलावा परिपक्वा, अपक्वा, क्वथिता, ये पूरे लिखे हैं बेटा। संस्कृत है थोड़ी सी, टिपिकल लैंग्वेज होती है, बोलने के लिए आपकी तालू बहुत शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सुभाषतानी श्लोक, तो 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, देखें यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए चार श्लोक दे दिए हैं, 9 10 11 12 13। आपको कोई दो श्लोक तैयार करने हैं आपके पास हो अगर तो आप वो याद कर लीजिए, नहीं तो मैंने यहाँ दे दिए। देखिए 10वां बहुत अच्छा है, 10वां 11वां पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद संधि विच्छेद आ सकती है, प्रकृति है, देखें अस्मात नगरात, ये सब जो है आप लोगों के पूछे जा सकते हैं, देख लीजिएगा जितनी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अब इसमें मैं पर्टिकुलर नहीं बता सकता बेटा, क्योंकि ग्रामर वाले प्रश्न एक नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन, तो बच्चों इसमें बहुत सारा मतलब वृहद है क्षेत्र, इसका बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र, पता नहीं कौन सा प्रश्न वो पूछ लें कहाँ से, इसलिए मैंने ये पूरा आपके लिए एक फ्लाइट चला दी है, तो आप देख लें इसको, एक नज़र मार लीजिए बस, ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा क्योंकि लैंग्वेज है। अब देखें समास, तो समास में बेटा घा वाला नवमालिका अच्छे से कर लीजिएगा, फिर नतिहम, फिर ये बहुत महात्मान, इडा वाला, अहितम, ये लिखे हुए हैं जितने, फिर इसके बाद ये अलग से जो चार आ रहे हैं इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये सही जोड़ी बनाने के लिए आ सकता है। ऊपर देखें चौथा पांचवा प्रश्न आ रहे हैं, राग पुरुषा में कौन सा समास होता, तो बेटा ये तत्पुरुष समास की एक पहचान होती है, इसमें पुरुष वाले ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखें पुस्तक के जो पाठ है, पुस्तक के कुछ अभ्यास कार्य हैं, इनमें जो खाली स्थान आपके भरने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, तो ये इस टाइप से आ सकते हैं कोई से भी। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चों, तो आप लोग अपनी तैयारी करें। आपने यहाँ आप मेरा वीडियो देखने के लिए समय निकाला, आपका नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपको मैंने कुछ बेसिक्स नॉलेज दे दिए कि किस टाइप का आपका पेपर आने वाला है। अच्छा अभी जो आपका पैटर्न बनाया गया है उसमें आपका त्रैमासिक परीक्षा में शुद्ध लेखनम वो सॉरी एक जो मैटर होता है लास्ट में दिया होता है कि आपको एक मतलब पोस्टर टाइप का लिखने के लिए, तो वो अभी नहीं पूछा गया था। अब हाफ ईयरली में पूछा जाए ना पूछा जाए कोई गारंटी नहीं है, वही बोल रहा हूँ बच्चों कि आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। निबंध एप्लीकेशन और ये जो जो मैंने थोड़ी बहुत दे दी है इनको पढ़ लीजिए, आप अपनी तैयारी पर भरोसा रखें बच्चों, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, आप ईमानदारी पूर्वक अपना पेपर दीजिए। अब थोड़ी बहुत तो सब हंसी मजाक बातचीत हो ही जाती है, मगर फिर भी आप लोग अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपनी तैयारी करें, जितना जो कुछ मुझे देना था मैंने दे दिया। और यहाँ पे देखें ये शब्द रूपाणी, तो शब्द रूपाणी के प्रकार हुए हैं। देखिए ग्रामर बहुत सारी है बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, अगर मैंने पूरी ग्रामर दे दी आपको, जो भी दो चार दस प्रश्न नहीं फंसे तो आप मुझे गाली दोगे, इसलिए बेटा अपनी तैयारी अपनी ग्रामर की स्वयं करें, जो भी आपके पास बुक है उससे अपनी तैयारी कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी अच्छी जानकारी के साथ, हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, गुड बाय।